नाम बताएंगे। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मेरा पति का नाम दिलीप कुमार शाह है, मैं रहने वाली ललमटिया में डकैता मिशन चौक। मायके कहाँ? मायके मेरा श्रीपुर हुआ, बुआरी जोर श्रीपुर। हाँ, प्रखंड बुआरी जोर पड़ता है। कितने बाल बच्चे हैं? मेरे 2 बाल बच्चे हैं। क्या क्या नाम है? मेरा बड़े बेटा का नाम है अभिषेक आनंद और बेटी का नाम है मिष्टी कुमारी। सर, जब हम यहाँ से शिव मंदिर गए थे पूजा करने, 1 तारीख का सोमवार का दिन था, हम अपने हस्बैंड को बोले चलिए हमको पूजा करने वहाँ पहुँचा दीजिएगा, आप दुकान में रहिएगा। मेरे हस्बैंड वहाँ पर हमको छोड़ दिए मंदिर के पास, बोले 1 घंटा के बाद हम आएंगे। हम भी अपने हस्बैंड को बोल दिए 1 घंटा के बाद आइएगा, हम पूजा करके रेडी रहेंगे। तब तक जब हम शिव मंदिर से पूजा करके दुर्गा मंदिर निकले, दुर्गा मंदिर में पूजा भी नहीं किए थे, अचानक से पीछे से कोई आया, मोबाइल में कुछ दे के हमको बेहोश कर दिया। उसके बाद हम, मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं। हमको जब 6 दिन बाद जब हम होश आया तो हम खुद को पा रहे थे गोवा में। गोवा में तो हम संदीप से पूछे, हम देखते हैं संदीप है, संदीप से पूछे। संदीप बाप का नाम? बाप का नाम भूदेव मंडल। संदीप कहाँ का है? ये रहने वाला है सर तीन पहाड़ का, जिला हुआ साहेबगंज पड़ता है, रहता है किराया पे दलमटियाल मिशन चौक में रहता है। क्या करता है यहाँ? आलू का गोदाम है सर जी, मेरे घर के सामने ही है। उस दिन मेरे पास 13 बार कॉल किया कि आप आ रही है, हमें आप फोन बोल रहे आप आ रही, हम बस फोन काट दे रहा था। जब हम शिव मंदिर गए सर तो वो बेहोश कर दिया। जब खुद गोवा में हम अपने आप को पा रहे थे, जब गोवा पूछे उसे हम कहाँ आए हैं, तो बोला आप गोवा में हम क्यों लाए हैं, तो बोले कि आपका हस्बैंड से हमको 5 लाख रुपया पैसा लेना है। हम, मेरे हस्बैंड कहाँ से देंगे पैसा? बोले आप अपने हस्बैंड से 5 लाख मांगिए, नहीं तो आपका बाल बच्चा दोनों को आपको जान से मार देंगे। हमने आप हमको जो भी कर लीजिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, हम लोग गरीब है, खाने पीने वाले हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो नहीं मांगेगा तो हम जान से मार देंगे, यही सब बात बोलने लगे सर। मेरा, हम उस दिन कान का सोना का कान का पहने थे, मंगलसूत्र था, सब मेरा छीन लिया था, मोबाइल था, मोबाइल वोबाइल सब छीन के रख लिया। हमको टॉर्चर करने लगा, धमकाने लगा, डराने लगा। तो मंगलसूत्र और कान का जो भी था, मोबाइल वगैरह, अभी तक मिला आपको? नहीं सर, उसी के पास है सारा चीज, उसी के पास है। मेरे पास जो पर्स था, हम पर्स लेके गए थे अपने साथ, पर्स लेके गए थे साथ में, मेरा पर्स था, तो हम अभी उसी में मेरा कुछ पेपर भी था स्कूल का, जो भी हम घर में खोज रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, या कि मुझे लग रहा है कि उसी पर्स में मेरा स्कूल का पेपर ऊपर सब है। तो वहाँ से हुआ तो उसको पता चल गया कि मेरे हस्बैंड लोग केस कर दिए हैं संदीप के ऊपर। तो संदीप और हमको टॉर्चर करने लगा, बोला कि देखिए इस टाइप का बात, आपका हस्बैंड केस कर दिए हैं, आपको गवाही देना होगा, ये गवाही दीजिएगा तब आपको छोड़ेंगे, तब का बाल बच्चा पति सबको जान से मार देंगे। हमको वहाँ से किसी तरह, संदीप ही था या उसके साथ और भी कोई? उसके साथ देखे सर, संदीप था और कोई नहीं था, हम उसको सिर्फ संदीप को अकेले ही देखे थे। हमको किसी रूम में रखा हुआ था, हमको रूम में संदीप खाली, हाँ लेकिन अपना पापा से बात करता था, हमको जानकारी, वो अपना पापा से एनी टाइम बात, उसका पापा ही जानकारी देते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका पापा ही सूचना दिए कि केस कर दिया है उसका पति, तुम उसको धमकाओ डराओ। तो हमको धमकाने डराने लगे, बोले कि अभी नहीं, जब तक आप 5 लाख नहीं मांगिएगा आपको बयान में ही बोलना होगा कि अपना मर्जी से आए हैं यहाँ। सर अपना मर्जी, वो हमको किडनैप करके ले गया था सर, हम क्या करते, हम अपने दोनों बच्चे के चलते हम झूठा बयान दिए सर। यहाँ थाना कब आया? थाना परसों आए थे सर, सुबह 6:30 बजे हम किसी तरह भागते फिरते वहाँ से सर, वहाँ से हम यहाँ दिल्ली पहुँचे, कट कर कितना मुश्किल से आए सर, दिल्ली से भागलपुर से हम गोड्डा आए, कल सुबह हम 6:30 बजे, परसों सुबह हम 6:30 बजे थाना पहुँचे। हम इसी विश्वास से आए थे सर कि थाना प्रभारी जो मेरा कानून मेरा मदद करेगा सर, हम अबला नारी है सर, बोलिए। तो थाना प्रभारी मदद नहीं किया? नहीं सर, हम जब थाना पहुंचे तो हमको टॉर्चर किया गया सर, पूरा सारा थाना प्रभारी जो था, बड़ा बाबू छोटा बाबू जो भी थे, सब हमको टॉर्चर किया गया सर, बोलिए, मेरे ऊपर टॉर्चर किया गया। क्या बोले? ये लोग बोले तुमको बोलना है अपना मर्जी से गया, तो मगर नहीं बोलेगी अपना मर्जी से तो तुमको और तुम्हारे पति को जेल भेज देंगे, तुम्हारा दोनों बच्चा सड़क पे आ जाएगा। हमको बहुत टॉर्चर किया गया सर। ललमटिया थाना पहुंचने के बाद आपके पति का नहीं सर, हम बोले सर लोग को बोले, मेरे पास तो फोन उन था नहीं सर, हम सर को बोले सर हमको बात मेरा पति से करा दीजिए, मेरा पति से बात करा दीजिए, तो सर बोले तुमको अभी किसी से हम बात नहीं कराएंगे, ना तुमको भेंट करने देंगे, मुझे अलग रूम में एकांत रूम में हमको जाके वो बैठा दिए। हम बोले सर मैं पति से तो भेंट करा दीजिए, भेंट से लगा दिए थे
नहीं हमको अंदर बैठा दिए, हम बाहर में बैठे थे, कोई हमको देखेगा तो सूचना जाएगा मेरा पति के पास। सर लोग बोले जाके अंदर बैठो, हमको जबरदस्ती अंदर ले गए, जाओ अंदर नहीं तो भी डंगाएंगे हमको। एक सोचिए सर, हमको मारने का धमकी देने लगे, हम अंदर चले गए, अंदर जाके हम बैठ गए, बैठे हम बोले सर फोन में बात करा दीजिए, मेरे पति को सूचना दीजिए, मेरा बाल बच्चा मिलना चाहता है मेरा पति से। नहीं नहीं सर लोग सुने, बोले जब तक तुम बयान नहीं देगी तुमको किसी से मिलने नहीं देंगे। हमको यहाँ से ले गए महागावा, महागावा में भी गाड़ी में हमको बोले सर तुमको यही बयान देना है कि तुम अपना मर्जी से गए। जहाँ तक अपना मर्जी से हम नहीं गए सर, हमको जबरदस्ती ले गया है सर। तो थाना प्रभारी आपको क्यों ये बार बार बोल रहे थे कि मिले हुए हैं सर? वो लोग मिले हुए हैं, वो लोग सारा ये लोग मिले, इसका पैसा दे के ये लोग सब पैसा पे कर रहे हैं सर। तो आप महागामा में लास्ट क्या बयान दिए? हम बयान यही दिए सर कि हम अपना मर्जी से गए थे, हम क्या करते सर, हम मजबूर थे, हमको बोलना पड़ा सर, हमको धमका रहे थे सर। अब हम बयान दिए हम अपना मर्जी से कौन गए। कौन कौन धमका रहे थे? बड़ा बाबू, छोटा बाबू और कुछ थे, दो तीन थे। बड़ा बाबू तो पूरा हमको टॉर्चर किए हैं सर, बहुत टॉर्चर किया है हमको, डांटे धमकाए पूरा, बोलने लगे तुम ये है वो है सर। उसके बाद फिर महागामा से गोड्डा लेके गए? हाँ, महागामा से हमको गोड्डा कोर्ट ले गए। जब फिर पहले कोर्ट गए, कोर्ट से फिर हमको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में हमको बोले मेडिकल जांच तुम नहीं कराएगी, हम बोले हम कराएंगे सर, तो नहीं कराएगी तुम, एक बार तुमको बोलते तुम कोई जांच नहीं करवाएगी। सिर्फ कोरोना जांच हुआ सर, मेडिकल जांच नहीं करने दिए। मेडिकल जांच में हमको लिखवा दिए कि बोलो हम अपना मर्जी से मेडिकल जांच नहीं कराना चाहती हूँ सर। हम लिख दिए डर से, अपना बाल बच्चा पते के लिए सर हम ये सब कर दिए सर। कहीं हमको किसी का तभी साथ नहीं था, हमें अकेले थे, हम क्या करते सर बोलिए। कोर्ट में भी गवाही दी? हाँ, कोर्ट में हमको सर पूरा निश्चित है, तो पूरा हमको बोलने लगे देखो नेहा तुमको यही करना है, तुमको संदीप को बचाना है, नहीं बचाए तो तुमको तुम्हारा पति को हम जेल भेज देंगे, तुम्हारा बाल बच्चा सड़क पे आ जाएगा, भीख मांगते फिरेगा सर बोलिए। हमको इस तरह बोला गया, हम क्या करते सर, हम बयान जज के सामने दे दिए। जब हम वहाँ से आए यहाँ पर थाना, तब मेरा भाई लोग को बोल भेंट हुआ हमसे, अपना भाई लोग का सारा बात बताया, ऐसा ऐसा बात है, हम अपना किए गए थे भैया, अपना मर्जी से नहीं गए थे, हमको न्याय चाहिए सर, हम विश्वास के साथ आए थे थाना, अब वही विश्वासघात कर दिए थाना, बोले हम किस पे भरोसा करेंगे, अगर कानून मेरा साथ नहीं देगा तो बोलिए सर, हम चाहते हैं आप लोग मेरा साथ दीजिए सर, आप लोग मेरा सब बने रहिए। हम बर्बाद हो गए सर, हमको बर्बाद कर दिया सर। आप अभी क्या चाह रहे हैं? हम जा रहे हैं उसका पापा भदेव मंडल और संदीप मंडल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन आपको तो हर जगह लिखवा भी दिया, बयान भी दिलवा दिया, सब कुछ करवा दिया सर, हम दबाव में आगे दिए थे सर, हम क्या करते बोलिए सर। कौन औरत अपना बाल बच्चा को सर ये करेगी, अपना बाल बच्चा पति के लिए हम झूठा बयान दे दिए सर, हम क्या करते सर बोलिए। उस समय हम अकेले थे सर, हमको किसी से मिलने भी नहीं मिला सर, हमको धमका दिए सर, हम पूरा डर गए थे सर, इसलिए हम झूठा बयान दे दिए सर, हम क्या करते। उसके साथ मेरा साथ क्या हुआ नहीं हुआ हमको कुछ नहीं पता, मेरे साथ जबरदस्ती भी किया गया है सर। आप अभी जांच करवाएगी? हाँ, अभी हम मेडिकल जांच कराना चाहते हैं सर। थाना वाला जो भी आपके साथ किया वो बहुत गलत किया, गलत किया, बहुत गलत किया। यहाँ पर ये लोग फ्रॉड है सर, आदमी देखिए भरोसा करता है कानून पे, अपना थाना पे, चलिए हम कुछ होगा तो अपना थाना जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सर सब पैसा पे हो रहा है सर, ये लोग पैसा खा के ये लोग पूरा फ्रॉड कर रहे हैं मेरे साथ सर, हमसे झूठा झूठा बयान ले लेते हैं सर, हमको डरा धमका कर, हम क्या करते सर, हम अकेले लेते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते थे सर, हम बर्बाद हो गए सर। क्या करते सर, मेरे दोनों बच्चा के चलते पति झूठा बयान देना पड़ गया सर, हम क्या करते सर बोलिए। हमको करी से करी उन लोग को सजा दिलाना है सर, हमको उन लोग को सजा दिलाना है, आप लोग से बहुत निवेदन है कि उसको सजा दिलाने मेरा सहयोग करे सर। आप लोग बने हैं आपकी देखी।